महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर एके चौधरी आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आज फिर हाजिर हूँ देखिए आपसे विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा के विषय में बताऊं या चर्चा स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे एक बार फिर निवेदन करूं कि जो जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक तो बनता ही है, लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। जो मुझसे कनेक्शन नहीं है वो तो आपके दोस्त उनको शेयर करेंगे तो वो भी देखेंगे, वो भी मेरे बन जाएंगे सब्सक्राइबर। तो मित्रों और जाते जाते कमेंट में आप जो चाहे लिखें, जो चाहे पूछना पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना तो कम से कम महागणेशाय नमः लिखिए कमेंट में, भगवान गणेश आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मित्रों आप ये सब कुछ अपना चंद्र राशि पर देख सकते हैं, लग्न राशि पर देख सकते हैं, 50-50 मान लीजिए। और दोनों में से कुछ नहीं पता है तो 20-30 तो आप फिर अपने नाम राशि से भी देखेंगे तो सच बैठेगा। लेकिन ये देखिए जनरल, ये जनरल है या भविष्यवाणी जो भी है या जो बातें कही जा रही हैं, आपको और सटीक अपना भविष्यवाणी जानना है तो अपनी जन्म कुंडली जो आपकी अपनी पर्सनल है उसको इसके साथ मिलाइए और फिर किसी विद्वान जोशी से अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। हो सकता है उसमें आपके ग्रह जो अभी अच्छे हैं इसमें गोचर में वो शायद बकरी हों, वो शायद अस्त हों, वो शायद खराब घर में बैठे हों, तो ये सब जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठा है, उसके बाद अपने बारे में आप सटीक जान सकते हैं। ज्योतिषियों के खिलाफ अपनी राय मत बनाइए कि ये सब बेकार की बकवास करते रहते हैं, कुछ नहीं आता इनको। हम तो जो जनरल बात है सबके लिए पहले से वो तो बता रहे हैं जो इस समय गुजर के साथ, लेकिन आपको अपना सटीक जानना है तो अपना राशि फल दिखाइए, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए और उसके बाद फिर आप देखिए क्या फल बैठता है। अभी देखिए हम क्या चर्चा कर रहे हैं। आज मैंने देखिए यहाँ लिखा है समुद्र में कि जुलाई में अगस्त में, जुलाई अगस्त के महीने में देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र इनका सहयोग होगा आपसी, और उसके बाद उनके सहयोग से जो महाभाग्यशाली राशियाँ होंगी वो कौन हो सकती हैं, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन राशि को अच्छा देगा, तो अभी मैं इसको और विस्तार से बताऊं। देखिए बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली के पहले भाव में बैठे हैं। पहला भाव यानी लग्न जिसको बोलते हैं, लग्न भाव में मेष लग्न या मेष राशि कही, यहाँ पर लग्न भाव में मेष राशि में पहली राशि होती है। यहाँ राहु के साथ बृहस्पति है, राहु और बृहस्पति का काफी अंतर आ चुका है, यानी राहु बाल्यावस्था में जा रहे हैं, जा ही चुके हैं बल्कि, तो उनका कोई बुरा अच्छा कैसा असर नहीं पड़ने वाला। बृहस्पति युवावस्था में 12 डिग्री से ऊपर, तो बृहस्पति जो है अब युवावस्था में तगड़े स्ट्रांग, तो बृहस्पति तो बहुत स्ट्रांग हो गए और राहु बहुत वीक हो गए। उसके अलावा बृहस्पति पहले तो केतु के नक्षत्र में यानी अश्विनी नक्षत्र में थे, अब जो है बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में यानी भरणी नक्षत्र में आ चुके हैं। तो भरणी नक्षत्र में यानी दैत्य गुरु शुक्र का नक्षत्र है, तो दैत्य गुरु शुक्र से बृहस्पति का कनेक्शन हो गया कि बृहस्पति दैत्य गुरु के यानी दैत्य गुरु के नक्षत्र में है, तो डायरेक्ट देव गुरु और दैत्य गुरु का आपस में कनेक्शन हो गया कि अब स्ट्रांग देव गुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्र के नक्षत्र में आ गए तो आपसी कनेक्शन हो गया। जैसे एक ही नक्षत्र में एक घर में दो भाई रहते हैं, भाई भाई हो गए, वैसे भी दोनों भाई भाई थे, कोई देव गुरु थे दैत्य गुरु थे। और देखिए आज 7 जुलाई से ही शुक्र दैत्य गुरु शुक्र जो है काल पुरुष की कुंडली के पंचम भाव में आ चुके हैं, आज सुबह ही आ गए, जहां मंगल 1 जुलाई को ऑलरेडी आ चुके थे। तो मंगल जो है पुरुषत्व को दिखाता है, मैस्कुलिन
और ये वीनस जो है ये फेमिनिन को दिखाता है। तो यहाँ पर दो एनर्जियों का संयोग हो रहा है, पुरुषत्व का और स्त्रीत्व का, यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दो एनर्जियां। मंगल जो है रेड प्लैनेट माने जाते हैं, क्रोध का, लाल गुस्से का, वैसे अंगार, अंगार का मतलब। और मंगल जो है मेष राशि के स्वामी भी हैं, मेष राशि के लॉर्ड हैं। और मेष राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति का कनेक्शन हो गया कि मंगल के घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं देवगुरु। और देखिए यहाँ से गिनेंगे हम तो 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति की 5, 7, 9, 3 दृष्टियां होती हैं। तो बृहस्पति की पांचवी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, बृहस्पति की पांचवी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। आज शुक्र भी आ गए तो जुलाई में, यानी जुलाई कहिए आप इसको, मैं 7 जुलाई लिखूं तो और अच्छी बात है कि 7 जुलाई से, क्योंकि 7 जुलाई को शुक्र यहाँ आए तो शुक्र भी बृहस्पति के पंचम दृष्टि में आ गए। वैसे भी बृहस्पति जो है शुक्र के नक्षत्र में, वर्णी नक्षत्र में है, युवावस्था में स्ट्रांग है, और बृहस्पति से शुक्र से कनेक्शन हो गया कि ये पंचम दृष्टि बृहस्पति की यहाँ पड़ रही है शुक्र के ऊपर। मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र पर बृहस्पति दृष्टि पड़ रही है। उसके अलावा यहाँ से मंगल शुक्र के स्थाने से घिरे आप तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बृहस्पति का और शुक्र का या मंगल का नवम पंचम का राजयोग बन रहा है। ये यहाँ से पांचवा है, यहाँ से नवा, तो ये भी अच्छा लाभकारी होता है। नवम पंचम बृहस्पति मंगल के बीच, मंगल और शुक्र की युति के बीच, यानी मंगल शुक्र दोनों ही आज से आ गए। तो 7 जुलाई के बाद से और अगस्त में 18 अगस्त तक मंगल यहाँ रहते हैं, उसके बाद मंगल यहाँ से ट्रांजिशन हो जाएगा अगले भाव में। तो शुक्र जो है, देखिए शुक्र तो यहाँ रहेंगे अभी, अभी शुक्र बकरी होंगे, यहाँ से बकरी होंगे यही है, मतलब सिंह राशि में, फिर जाके आगे चल के शुक्र जाएंगे कर्क राशि में 7 अगस्त को। तो अगस्त में जब तक शुक्र मंगल दोनों यहाँ हैं, मंगल 18 अगस्त तक है और शुक्र जो है 7 अगस्त को बकरी होंगे, रहेंगे तो यहीं पर बकरी हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मंगल जो है सिंह राशि में से कर्क राशि में वापस आएंगे बकरी होकर के। तो सितंबर को शायद 4 सितंबर को, तो अगस्त में तो मतलब बकरी रहे या मार्गी रहे, लेकिन रहेंगे तो शुक्र सिंह राशि में ना, तो सिंह राशि में शुक्र रहेंगे। शुक्र और बृहस्पति का घनिष्ठ नक्षत्र में आ गए हैं, दैत्यों के घर में आ गए हवेली या बृहस्पति, दैत्यों के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, तो ये कनेक्शन बैठा। और देखिए शनि से भी शुक्र का मंगल का, यानी शुक्र और शनि दोनों मेरे ख्याल से बहुत टाइम बाद आमने सामने आए होंगे। कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं लाभ भाव में और पंचम भाव में शुक्र है, शुक्र भी बहुत अच्छे भाव में है काल पुरुष की कुंडली के, और शनि तो खैर है ही बहुत बढ़िया भाव में, लाभ भाव में। तो शुक्र की दृष्टि सब सप्तक योग बन रहा है, गुरु दैत्य गुरु शुक्र और शनि का, शुक्र तो दैत्य गुरु है और शनि दैत्य है, तो शनि तो बहुत सम्मान करते हैं दैत्य गुरु का, सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं शुक्र शनि के। तो शनि का, शनि से भी मंगल को शुक्र को बल मिल रहा है और बृहस्पति से पंचम दृष्टि से बल मिल रहा है। बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में है तो वैसे दैत्यों का बल मिल गया बृहस्पति को। तो मैं तो अभी ये चर्चा कर रहा हूँ कि 7 जुलाई के बाद से और अगस्त जब तक ये यहाँ ये योग बनता है जुलाई में अगस्त में, यानी मंगल का शुक्र का और बृहस्पति की आपस में नवम पंचम का योग बनता है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। बृहस्पति बलवान है और भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में, तो शुक्र की भी ताकत दिखाई, दैत्य गुरु का भी आज आशीर्वाद देव गुरु को मिल रहा है। दोनों गुरु बृहस्पति को शुक्र को दिख रहे हैं और बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में और नवम पंचम योग में है। तो इस सब का तालमेल बैठ करके देखिए, कुछ राशियों को तो बहुत अच्छा बैठेगा। बृहस्पति का यहाँ, बृहस्पति का देखा पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि और खुद यहाँ बैठना, ये जो है युवावस्था वाले भरणी नक्षत्र वाले
शुक्र का सहयोग पाने वाले कहिए, दैत्यों का सहयोग पाने वाले। तो अभी इसकी मंगल की शुक्र की चर्चा मैं बाद में करूंगा, अभी मैं चर्चा कर लेता हूँ कि बृहस्पति ऐसे बृहस्पति जो कि देव गुरु हैं और दैत्यों का भी सपोर्ट मिल रहा है और नवम पंचम में बैठे हुए हैं मंगल शुक्र के साथ, और मंगल शुक्र खुद शनि का भी आशीर्वाद ताकत मिली हुई है, ऐसे में इस अजीब से ग्रह गोचर में कौन राशि को क्या मिल रहा है। तो सबसे पहली राशि देखिए मेष है, मेष राशि बनी है यहाँ पर लग्न। तो मेष राशि के लिए बहुत बढ़िया योग बन रहा है कि सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यहाँ बृहस्पति देखिए इस स्ट्रांग भरणी नक्षत्र के बृहस्पति, ये जो है परिवार का घर, पति पत्नी का जीवन साथी का घर यहाँ दृष्टि पड़ रही है। तो सारी समस्याएं आपकी वैवाहिक जीवन की खत्म हो जाएगी। कोई समस्या है आपस में अगर तो दूर हो जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा कोई मतभेद सब साफ हो जाएगा और आपके जीवन साथी के साथ बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। और देखिए यहाँ से शुक्र भी बैठे हुए हैं और बृहस्पति भी यहाँ पंचम को देख रहे हैं, और देखिए प्रेम प्रसंग आपका कोई ऐसे जातकों का, मेष राशि के जातकों का समय बहुत अच्छा है। अविवाहित लोगों का कोई नया दोस्त बन सकता है, प्रेम प्रसंग चालू हो सकता है और प्रेम प्रसंग बढ़ते बढ़ते काफी प्रगाढ़ता ला सकता है और शादी भी बदल सकता है। विवाहित व्यक्तियों का अपना जीवन बहुत साथी जीवन साथी के साथ बड़ा अच्छा गुजरेगा, बल्कि विवाहित व्यक्तियों के जीवन में भी इतना आकर्षण होगा, जातक के शरीर में इतना आकर्षण होगा बृहस्पति यहाँ बैठने से, बृहस्पति और जातक का लग्न में, कि हर कोई आकर्षित हो जाएगा मेष राशि के। वैसे मेष राशि के लोग सुंदर देखने में हृष्टपुष्ट और आकर्षक होते हैं, और इस समय शुक्र के यहाँ पंचम में बैठने से आकर्षण और बढ़ जाएगा और मेष राशि के जातक बरबस लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। यानी स्त्रियां और अपोजिट सेक्स के लोग तो आकर्षित होंगे ही होंगे, बस पुरुष भी देख करके मन मोहित होगा उनका, भाई ये पर्सनलिटी कौन, गजब की पर्सनलिटी कौन आदमी है। तो अजीब सा मतलब एक चाल ढाल शरीर इस समय मेष राशि के जातकों को बृहस्पति से पंचम भाव से शिक्षा के क्षेत्र में, परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल रही है, संतान को नया सुख, संतान को नया जॉब, संतान को तरक्की मिल रही है, संतान को देखिए नया काम मिल सकता है, कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ से संतान का भाव है। और लाभ के भाव में तो मतलब मंगल शुक्र की समसत्वक दृष्टि पड़ रही है शनि पर, तो लाभ के भाव में तो गजब का लाभ मिलेगा ही शनि से, शनि तो लाभ ही लाभ देंगे, विभिन्न क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, व्यापार से लाभ मिलेगा, नौकरी से लाभ मिलेगा, नौकरी में तरक्की होगी, भाई बहनों से लाभ मिलेगा। तो वो और बृहस्पति का तो मैं बता ही रहा हूँ, लगता है कि बृहस्पति पंचम सप्तम नवम में बृहस्पति देख रहे हैं, तो नवम तो भाग्य है, भाग्य मेष राशि के लिए भाग्य भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य वर्धन हो रहा है, भाग्य आकाश को छू रहा है। भाग्य आकाश को छूने का मतलब पैसे ही पैसा आना, तो मेष राशि वालों को तो कहीं से भी आए पैसा आएगा। यहाँ व्यापार में पार्टनर्स के संग व्यापार कर रहे हैं कोई, तो उसमें तरक्की मिलेगी, उसमें पैसा आएगा। वैसे बिजनेस करते हैं तो तरक्की होगी, कहीं पैसा लगाया हुआ है तो पैसा तरक्की उसमें जो है उन्नति होगी, उन्नति के अवसर आएंगे। तो भाई मेष राशि वालों को तो मैं इस समय ग्रहों के मतलब कुंडलियों के या जो भी कुछ कहें आप एस्ट्रोलॉजी के सबसे टॉप पे जो राशियां हैं उनमें से मेष राशि को भी मैं कहता हूँ नंबर वन टॉप राशि, क्योंकि मेष राशि को सभी लोगों की बड़े बड़े ग्रहों की शनि की कृपा, शुक्र की कृपा, मंगल की कृपा, बृहस्पति की कृपा, ये बड़े बड़े ग्रह और समय समय पर चंद्रमा की कृपा मिलती है। जब चंद्रमा बृहस्पति के साथ आ जाएंगे तो गज कैसी राजू बना देते हैं, चंद्रमा जब यहाँ आ जाते हैं तभी सम्मुख देखते हैं तो भी सम्मुख दृष्टि पड़ती है तो भी गज कैसी योग बनता है। तो इस तरह से मेष राशि वालों को तो भाई मैं मुझे जेलसी हो रही है कि भाई मेष राशि वालों को इतना लाभ कैसे मिल रहा है। तो पहली राशि जो कि बहुत ज्यादा लाभ पा रही है, बहुत ज्यादा तरक्की मिल रही है, क्योंकि बृहस्पति पहले हाउस में बैठे हैं
पांचवी प्रदृष्टि पड़ रही है, सातवें प्रदृष्टि पड़ रही है और नवे प्रदृष्टि पड़ रही है। संतान भाव पर, पति पत्नी के भाव पर, परिवार के भाव पर, व्यापार के भाव पर और भाग्य के भाव पर, भाग्य तरह के भाव, भाग्य तरह के भाव तो बृहस्पति के कारण जो है। बाकी देखिए शनि का उसका और चर्चा मैंने की और भी आगे कर सकता हूँ, लेकिन अभी शुक्र आज यहाँ आ गए तो शुक्र की जो है नवम पंचम बन गया योग बृहस्पति से, और बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में है, बृहस्पति की शुक्र पर दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की मंगल पर दृष्टि पड़ रही है। तो ये सब आपसी तालमेल ग्रह नक्षत्रों का मेष राशि को तो नंबर वन राशि बना रहा है, नंबर वन राशि मेष राशि। अब मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं उन्हीं राशियों की चर्चा करूँ या थोड़ा थोड़ा सब कर लेता हूँ, जिनमें ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है उनकी थोड़ा कम चर्चा करता हूँ, और जो राशियाँ ज्यादा लाभ पा रही हैं उनकी चर्चा ज्यादा करता हूँ। लेकिन देखता हूँ अभी दूसरी राशि देखिए कौन सी आती है इसके बारे में। वृषभ राशि है नंबर दो, वृषभ राशि और वृषभ राशि कहिए, और इसके लिए देखिए दो एक बृहस्पति जो है यहाँ आ गए, राहु और बृहस्पति, एक दो तीन चार पाँच, पाँचवा जो है देखिए मंगल और शुक्र यहाँ आ गए, और छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह जो शनि यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ से देखिए बृहस्पति की दृष्टि एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ नौ। तो भाई वृषभ राशि के लिए तो बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं ये दोनों दृष्टियाँ आप छठे भाव में और आठवें भाव में ज़्यादा अच्छी नहीं है। थोड़ा सा यही है कि बृहस्पति जो यहाँ से देखेंगे यहाँ बैठी है जो बारहवां भाव ये विदेश का तो भाव है, यानी विदेश से अगर आपका वृषभ राशि में आपका कनेक्शन है, विदेश में व्यापार है, विदेश में नौकरी है तो तरक्की है, विदेश से तो व्यापार में फल भी बहुत होंगे, पैसा भी आएगा, विदेशी पैसा तो आएगा आएगा यहाँ से बारहवें भाव में बृहस्पति आने से। बारहवें बृहस्पति जो है खर्चीले होते हैं, यानी खर्चा ज्यादा होगा तो पैसा इतना नहीं आएगा जितना खर्चा हो जाएगा। बाहर जाएंगे तो यात्रा में खर्चा होगा, बाहर रहेंगे तो खर्चा होगा, आमदनी तो होगी पर खर्चा भी काफी होगा। और देखिए मंगल और शुक्र जो है ये जो है यहाँ पर बैठे हैं चौथे भाव में, तो इनकी तो हम अभी चर्चा नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि बृहस्पति जो वर्णी नक्षत्र के हैं शुक्र का साथ पा लिया 7 जुलाई से, तो उनका क्या असर हो रहा है भाई। तो उनका असर तो देखिए बृहस्पति जो है बारहवें भाव में बैठ करके एक दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी यहाँ पर, एक दृष्टि यहाँ पड़ेगी, ये दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो ये दोनों दृष्टियाँ तो देखिए ये दृष्टि थोड़ा सा पैसे में आपको बैंक ऋण में थोड़ा सा आराम दिला सकती है, कोई आपका बैंक से ऋण लिया है तो चुकता हो सकता है, आपने कहीं पैसा फंसा हुआ तो निकल के आ सकता है, तो आपका कहीं पैसा फंस गया किसी को उधार दे दिया है, और कोर्ट कचहरी में कोई आपका केस चल रहा है तो आपको कोर्ट कचहरी के केस में जीत होगी सोचती है। अगर बृहस्पति खुद बल वाले बृहस्पति खूब यूथ यंग बृहस्पति और शुक्र का साथ पाने वाले बृहस्पति यहाँ देख रहे हैं तो कोर्ट कचहरी के केस में सफलता, बीमारी में भी अच्छा ही सफलता, शत्रु आकर कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, बीमारियां आपकी पुरानी जो है वो दूर हो जाएंगी या दूर होना शुरू हो जाएंगी, अच्छा ही रहेगा। लेकिन और यहाँ पर भी दृष्टि पड़ रही है तो आपको कोई शेयर मार्केट से, लॉटरी से, व्यापार सत्ते से कहीं से लाभ मिल सकता है, गुप्त धन ये आपको प्रॉपर्टी अचल संपत्ति पैतृक संपत्ति का मिलने का चांस हो सकते हैं। जुलाई 7 जुलाई आज से लेकर के और जब तक मंगल और शुक्र का या मंगल शुक्र भी हट जाएंगे तो भी जब तक बृहस्पति वर्णी नक्षत्र में है अगस्त में समझिए तो वर्णी नक्षत्र के बृहस्पति वृषभ राशि के लिए तो भाई ये दोनों राशियां और बृहस्पति खुद ये मामला अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं का मतलब क्या कहा जाए, मतलब इनको श्रेणी में दिया जाए नंबर अगर तो इनको तो भी मैं अभी कहीं नंबर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है अभी, तो इनको मैं वृषभ राशि को तो मैं अभी नंबर 3 पर रखूंगा इनको, क्योंकि इनके बैठे भी ज्यादा अच्छे नहीं है, और ये तो इनको मैं बृहस्पति का ये जरूर है कि यहाँ पर ये मंगल शुक्र
इस भाव में चौथे में, पर मंगल शुक्र के चौथे में से क्या, हमें तो बृहस्पति की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि इनका लाभ तो मिलेगा, सुख मिलेगा इनका भी, तो वैसे तो बृहस्पति राशि अच्छी है, फिर भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि बृहस्पति के कहीं और अच्छे भाव में बैठने से होती। तो मैं इसको नंबर 3 पर रख सकता हूँ, यानी लखपति कह दिए उनको। नंबर 1 को मैं अरबपति कहूँ, नंबर 2 को करोड़पति कहूँ, नंबर 3 को लखपति कहूँ, ये मान लीजिए। तो वृषभ राशि को हम नंबर 3 पे कह सकते हैं कि हाँ देखिए वृषभ राशि के बाद जो तीसरी अगली राशि आएगी वो आएगी मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि के लिए हम लिखते हैं नंबर 3 जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देखिए नंबर 1, 2 और 1 यहाँ आ गया, यानी बृहस्पति राहु और बृहस्पति यहाँ आ गया। 3, 4, 5 पांचवी राशि यहाँ आ गई, यानी शुक्र और मंगल यहाँ आ गए। 6, 7, 8, 9 बृहस्पति की नवी दृष्टि आ गई, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि नवी दृष्टि, और 10, 11 यानी शनि यहाँ आ गए। तो मिथुन राशि के लिए देखिए ये बन गया ग्रह गोचर, ग्रहों के स्थान कहाँ है। तो मिथुन राशि के लिए देखिए लाभ भाव में बृहस्पति बढ़ गए, वही लाभ भाव के बृहस्पति तो लाभ तो देंगे रह गए। अति उच्च के बृहस्पति, युवावस्था वाले बृहस्पति, भरणी नक्षत्र में दैत्यों का शुक्र का संयोग पाने वाले, मंगल से शुक्र से नवम पंचम योग रहने वाले ऐसे बृहस्पति जो है मिथुन राशि के लिए देखिए यहाँ पर 11वें भाव बैठे हैं। तो डिफरेंट विभिन्न स्रोतों से लाभ, पैसे ही पैसा, यानी नौकरी से, व्यापार से, ट्रेडिंग से, बड़े भाई बहनों से, जो भी सोर्स हो सकते हैं सबसे पैसा तो आएगा। बृहस्पति धन तो देंगे ही देंगे, यहाँ पर बृहस्पति देखिए दृष्टि पड़ रही तो काम कराएंगे, यानी शुक्र और मंगल पर दृष्टि पड़ रही है, शुक्र मंगल बैठे हुए बृहस्पति देख रहे हैं तो परिश्रम तो बहुत कराएंगे, छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे वो भी लाभकारी होंगी, और जितना परिश्रम करोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा, आप बहुत पराक्रमी हो जाएंगे, आपके मित्र बहुत सहयोग करेंगे, मित्रों से दोस्ती रहेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, यहाँ भी मित्रों का आपके पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा, तो बिजनेस तरक्की पाएगा। और यहाँ देखिए पंचम में भी संतान को लाभ होगा, आपको भी एजुकेशन में लाभ होगा, प्रेम प्रसंगों में भी लाभ होगा। तो मिथुन राशि वालों बृहस्पति बैठे बहुत अच्छे हैं, बृहस्पति की एक दृष्टि जरा गड़बड़ है थोड़ी सी, यहाँ ये भाव अच्छा नहीं है तीसरा, पर ये दोनों तो अच्छे हैं। तो मैं बृहस्पति को देखिए मिथुन राशि का ये गोचर है, लाभ तो खूब मिल रहा है, पैसा खूब मिल रहा है, और संतान को भी लाभ मिल रहा है, प्रेम प्रसंगों में लाभ मिल रहा है, एजुकेशन में लाभ मिल रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिल रहा है, पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध है, व्यापार में पार्टनर्स का अच्छा संबंध है, लेकिन फिर भी उतना धन नहीं आ रहा जितना कि मैं इनको नंबर 1 में रखता था जो मैंने मेष राशि के लिए किया था। तो वृषभ राशि को तो मैंने नंबर 3 में रखा था, उसकी तो 2-2 भाव राशियां गलत भाव बैठी थी, इनका जो है गलत भाव में तो एक ही राशि है, मतलब यही दोनों का ये दृष्टि जो है 5वीं यहाँ पर रही है तीसरे भाव, इसलिए मैं मिथुन राशि को नंबर 2 पर रखता हूँ। यानी आप ये समझ लीजिएगा कि नंबर एक राशि जो मैंने बताई, अभी इसको मैं रब करके यहाँ लिख सकता हूँ कि नंबर 1 राशि जो थी वो कौन सी है, और नंबर 2 कौन सी है, और नंबर 3 कौन सी है। तो मित्रों देखिए नंबर 1 राशि जो मैंने लिखा, नंबर 1 राशि तो मेष, और देखिए नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 3 पर मैंने अभी रखा है वृष को, और नंबर 2 पर भी मैंने रखा मिथुन को, नंबर 1 मैंने रखा अभी मेष को। तो ये चर्चा रही है, देखिए मिथुन तक चर्चा आ गई, अब मैं चर्चा आगे बढ़ाता हूँ। तो जुलाई अगस्त के टाइम में जबकि भरणी नक्षत्र में बृहस्पति है, और आज 7 जुलाई से शुक्र जब आ गए मंगल के पास, और नवम पंचम योग बन गया बृहस्पति का और शुक्र का मंगल का, तो चौथी राशि ये आती है कर्क। कर्क राशि के लिए पंचम
यानी शुक्र और मंगल की राशि जो है पंचमी यहाँ आ गई, और 6, 7 और 8, 9 बृहस्पति की सातवीं दृष्टि, नवीन दृष्टि, पांचवी दृष्टि, और 4, 3, 2, 1 एक का मतलब बृहस्पति और राहु यहाँ आ गए, 9, 10, 11 का मतलब शनि यहाँ आ गए। देखिए शनि का जो है मंगल शुक्र का सम सत्ता क्यों बन रहा है, बृहस्पति का इनका नव पंचम का बन रहा है पंचम, और बृहस्पति का इनका शनि का, देखिए 1, 2, 3 दृष्टि से शनि भी देख रहे हैं बृहस्पति को, राहु को, बृहस्पति को भी शनि, शनि हालांकि देते हैं पर बृहस्पति तो देव गुरु है, देव गुरु का किसी से झगड़ा नहीं है बृहस्पति का, बृहस्पति का कोई दुश्मन नहीं है। हाँ ये अच्छा दोस्त कम दोस्त हो सकता है, दुश्मन नहीं मानते बृहस्पति, गुरुओं का काम ही नहीं है किसी को दुश्मन मानना। तो अब देखिए कर्क राशि के लिए क्या होगा, कर्क राशि के लिए बृहस्पति आ गए दसवें भाव में, दसवां भाव क्या है नौकरी का भाव, बिजनेस का भाव, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बहुत खुश, कोई आपको काम दिया गया, प्रोजेक्ट दिया गया, वो आप समय पर निपटा लेंगे तो बहुत तारीफ मिलेंगे, बहुत आपकी सरकारी नौकरी है तो उसमें तरक्की मिलेगी, तो बृहस्पति का खुद यहाँ बैठेगा और बुद्धि विवेक वाले काम करेंगे उसमें तरक्की मिलेगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी, उनमें जो आप जिसने आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ आप बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब नौकरी अपनी नौकरी वो व्यापारी हो गया, सेल्फ जो काम कर रहे हैं आप, सीए हैं आप, पत्रकार हैं आप, तो ऐसे बृहस्पति यहाँ कर्म स्थान में बैठ करके बहुत जबरदस्त लाभ देंगे। बृहस्पति देखिए सुख स्थान को देखेंगे तो सुख की बारिश करेंगे, यानी सुख की बारिश का मतलब भूमि, भवन, बंगला, गाड़ी, नई गाड़ी, और धन भाव में बैठेंगे, धन भाव को पंचम में देखेंगे तो धनी धन देंगे खूब, धन भाव में वैसे भी मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कर्क राशि तो भाई किसी हालत में मेष राशि से कम नहीं है, यहाँ पर सब तीनों अच्छी दृष्टियाँ, सुख साधन, ये थोड़ा सा खता भाव है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा छठे भाव में कुछ मिले, पर यहाँ भी बीमारी दूर हो सकती है, कोर्ट कचहरी के केस आपके चल रहे हैं वो दूर ठीक हो जाएंगे, आपका कोई ऋण चल रहा है वो भी ऋण उतर जाएगा, बैंक से लोन ले रहा है लोन मिल जाएगा, तो यहाँ भी जो है ऐसा खराब तो नहीं है, लेकिन कर्क राशि के लिए बृहस्पति का बैठना यहाँ पर और दो दो ये पांचवा सातवा दृष्टि चौथे भाव में धन भाव में, तो मैं तो भाई कर्क राशि को नंबर 2 नहीं कर सकता हूँ, कर्क राशि को तो मुझे नंबर 1 ही करना पड़ेगा, कर्क राशि भी जो है मेष से कोई कम नहीं है, कर्क राशि भी बहुत करोड़ अरबपति राशि मान लीजिए इसको भी, क्योंकि बृहस्पति दसवें भाव में बैठ करके सारी नौकरियों में तरक्की, व्यापार में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, और धन भाव पर दृष्टि धन दिला रहे हैं खूब, सुख भाव पर दृष्टि सुख साधनों को दिला रहे हैं, माता का सुख मिल रहा है, और देखिए गाड़ी बंगला वो सब कुछ मिल रहा है, तो चौथी राशि के लिए भी मैं तो बहुत ही अच्छा मान रहा हूँ, यानी कौन सी कर्क राशि के लिए। अब देखिए मेष और कर्क ये दो तो मेरे हिसाब से तो अच्छी है, मिथुन भी अच्छी थी लेकिन मिथुन को मैंने चूंकि तीसरे भाव में भी मतलब था असर, तीसरे भाव में दृष्टि पड़ रही थी, वैसे तो यहाँ भी जो है दृष्टि अच्छी नहीं पड़ रही, तो मिथुन को भी थोड़ा मैंने नंबर 2 कर दिया है, और मेष और कर्क ये नंबर 1 पे है। अब अगली राशि देखिए आपका है नंबर 5, पाँच 6, 7, 8, 9 देखिए 10, 11 शनि, 12, 1 राहु और बृहस्पति, 2, 3, 4, 5 तो मित्रों बृहस्पति की दृष्टि देखिए पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, नवीं दृष्टि, और बृहस्पति खुद बैठे हैं भाग्य भाव में, तो सिंह राशि के लिए बृहस्पति का जो है भाग्य भाव में बैठ जाना बहुत जबरदस्त
भाग्य भाव में बैठ करके बृहस्पति, और यहाँ पर देखिए दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो जातक को मोर धार्मिक बना देंगे, धार्मिक अनुष्ठान होंगे, शरीर सुंदर अच्छा रहेगा, पर्सनलिटी अच्छी रहेगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है दृष्टि जो राशि है यहाँ पर, ये दा थोड़ी सी यह है कि परिश्रम प्राकरण वहाँ पर पड़ रही है, तो परिश्रम तो यानी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो यही है, हर काम मेहनत पर टिका हुआ है, मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, तो परिश्रम करना मेहनत करना ये तो बहुत जरूरी है भाई। और यहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही तो संतान भी लाभ पाएगी, संतान को कोई नया नया काम मिल सकता है, संतान को तरक्की मिल सकती है, एजुकेशन के क्षेत्र में तरक्की मिल सकती है, प्रेम प्रसंगों में तरक्की मिल सकती है। तो सिंह राशि के लिए भी, और ये तो शनि को आदत छोड़िए, और यहाँ पर देखिए पंचम में सिंह राशि में यहाँ पर शुक्र और मंगल यही बैठे हुए हैं, तो ये तो लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, ये दो दो ग्रह पर, और ये दो ग्रह यहाँ देख रहे हैं, शनि यहाँ बैठे हुए हैं, तो पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे, कभी कभी मंगल की वजह से क्रोध हो सकता है और आपका थोड़ा सा डिस्कशन ऐसा हो जाए, उसमें वाणी को अच्छा रखिए तो आपके प्रेम बढ़ेगा, आपस में अच्छा संवाद रहेगा, बोलने में जरा थोड़ा सा करवाट आ जाएगी तो थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी नोक झोंक हो जाए, तो उससे बचने के लिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। तो मेरे ख्याल से तो भाई जो है ये भी जो है बहुत अच्छी राशि आ रही है, यानी सिंह राशि को मैं क्या कहूँ कि इसको मैं मेष कर्क और उसके बाद सिंह राशि को मैं पहली लिस्ट में डाल सकता हूँ, क्योंकि बृहस्पति भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य वर्धन कर रहे हैं, जब भाग्य बढ़ गया आदमी का तो फिर तो सब कुछ मिल गया, धन मिल गया, नौकरी में भाग्य बढ़ गया, व्यापार में भाग्य, जो भी काम कर रहे हैं आप काम करेंगे मेहनत करेंगे, यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, जितना परिश्रम करेंगे जितनी भाग दौड़ करेंगे जितना एक अपने लगन से काम करेंगे उतना ही भाग्य बढ़ेगा और काम मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी, लगन पर आपका देखिए शुभ मंगल शुक्र मंगल है और इनकी दृष्टि है पंचम, तो शरीर भी आपका फुर्तीला रहेगा, धार्मिक विचारधारा भी रहेगी, मोर मोर धार्मिक बनेंगे आप, और यहाँ से संतान को भी लाभ है। तो सिंह राशि वालों भी मेष कर्क सिंह तीन राशियाँ तो अभी मेरे हिसाब से नंबर वन पे आ गई हैं भाई, और अभी तो ये वृषभ को मैं नंबर तीन रखा था और मिथुन को नंबर दो रखा है, थोड़ा सा कमी है इसलिए। अब देखिए और कर्क राशि को मैंने अच्छा कर दिया, क्योंकि एक दृष्टि जरा ठीक नहीं थी, लेकिन ये है कि आपको अच्छा मिल रहा था लाभ, दसवें भाव में बैठ के अच्छा योग था। अब देखिए अगली राशि में देखता हूँ कन्या राशि के लिए क्या है, तो कन्या राशि के लिए देखिए कन्या राशि के लिए अब क्या बताऊँ मैं, देखिए छठी राशि में आ गई, ये होगी कन्या, सातवां यहाँ है, आठ नवा यहाँ है, दस ग्यारह शनि यहाँ है, बारह एक राहु और बृहस्पति देखिए यहाँ है, दो तीन चार पाँच, पाँच का मतलब शुक्र और मंगल यहाँ है। तो मित्रों कन्या राशि के लिए बृहस्पति तो मेष राशि में है, लेकिन भाव कौन सा अष्टम भाव है, अष्टम भाव अच्छा बाकी ग्रह भी शनि भी छठे भाव में और शुक्र मंगल जो है बारहवें भाव में है ये राशि, तो बृहस्पति की दृष्टि जो है पंचम यहाँ पड़ रही बारहवें में, तो खर्चा तो ज्यादा होगा भाई। कन्या राशि वालों नोट कर लो, आपका खर्चा कम नहीं हो सकता, खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपका किसी विदेश की संस्था से कनेक्शन है, कोई विदेश व्यापार कर रहे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, तो विदेश भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही बारे में भाव पर खर्चा तो होगा लेकिन लाभ भी होगा, बशर्ते आपको विदेश में जो है कोई काम करते हो, तो विदेश आपको जाना पड़ सकता है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, तो विदेश में यात्रा करेंगे तो खर्चा तो होगा, लाभ पैसा कमा रहा है खर्चा ज्यादा हो रहा है। और देखिए एक राशि यहाँ पर है चौथे भाव में, सुख साधनों की तो कोई कमी नहीं है आपको, सुख साधन तो पूरे आएंगे आपके, गाड़ी बंगला मकान एसी, जब जो कोई सुख के साधन है वो आपके सब होंगे,
और अगर नहीं है तो और आ जाएंगे, और उनके सुख साधनों के आपके लाने में और खर्चा आपका होगा, तो खर्चा होगा तो और धन का व्यय होगा, और धन का व्यय तो यहाँ भी होगा, धन का व्यय तो यहाँ भी होगा, बीमारी में भी हो सकता है, आपके पैरों में थोड़ा सा कष्ट दर्द बढ़ रह सकता है, और उधर विकार पेट की पीड़ा रह सकती है। तो कन्या राशि वालों को, यानी आप देखिए ये जो है योग यहाँ अच्छा हुआ नहीं है, यहाँ से यह है कि आप कोई गुप्त धन लॉटरी और सत्ता वगैरह शेयर मार्केट या कोई प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, डायरेक्ट यहाँ से दृष्टि तो पड़ रही है धन भाव पर, धन भाव में ये साथ में दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, और शुक्र की राशि भी है ये। तो कन्या राशि को भाई मैं क्या कहूँ, धन आएगा लेकिन खर्चा बहुत होगी और सेहत भी तंग रहेगी आपको, जो आठवीं राशि में बैठे हुए हैं। तो कन्या राशि को मैं ज्यादा अच्छा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कन्या राशि के लिए खुद बृहस्पति का बैठना यहाँ अच्छे भाव में नहीं है। तो मैं कन्या राशि को देखिए नंबर 3 पे लिखूंगा वृषभ के साथ, कन्या राशि जो है वृषभ राशि के साथ नंबर 3 पे रखूंगा मैं इसको, तो कन्या राशि जो है नंबर 3 पे आ गई भाई। और अगली राशि देखिए और कौन सी आती है जरा उसकी चर्चा करते हैं। अगली चर्चा हम करेंगे अब, अगली चर्चा हम करेंगे अब देखिए नेक्स्ट राशि है वह है तुला राशि, यानी सातवीं राशि तुला, 8, 9, 10, 11 शनि यहाँ पे, 1 राहु और बृहस्पति यहाँ पे, और देखिए 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेंगी और शुक्र मंगल भी यहाँ बैठे, देखिए तुला राशि है। तो आप देखिए तुला राशि के लिए बृहस्पति सामने मेष राशि में यानी सप्तम स्थान में बैठे हैं, सप्तम स्थान में पति पत्नी के भाव में, पार्टनर्स के भाव में, बिजनेस पार्टनर्स के, ऐसा बिजनेस में पार्टनर सहयोगी आपके लगे हुए हैं, और दृष्टि पड़ रही यहाँ से पंचम दृष्टि यहाँ पड़ रही शुक्र मंगल पे, और ये अच्छे भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं। तो लाभ भाव में लाभ आएगा, लाभ का मतलब पैसा आएगा, यहाँ लग्न प्रदर्शी पड़ी तो शरीर अच्छा रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी, हिस्सा पूरा शरीर रहेगा, पर्सनलिटी अच्छी रहेगी, आप अपने ऊपर अच्छा सोचेंगे और सब आपको देखेंगे तो आकर्षित होंगे। और देखिए यहाँ जो है एक राशि यहाँ मतलब दृष्टि यहाँ पड़ रही है बृहस्पति की, नहीं यहाँ पर जो है ये पराक्रम कराएंगे, परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, यात्रा कराएंगे, छोटी मोटी लाभ तो मिलेगा, फायदा होगा और अच्छा है लाभ। और यहाँ देखिए सातवीं में जब बृहस्पति बैठे हैं, लग्न प्रदर्शी पड़ रही है तो पैसा तो आएगा, और यहाँ बैठे हैं पंचम दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, यानी शुक्र दैत्य गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, तो पैसा तो छप्पर फाड़ कर आएगा, यानी क्योंकि यहाँ पर दृष्टि है पंचम लाभ भाव में, और देखिए तुला खुद लग्न यहाँ पर दृष्टि है, तो मैं इसको भी अच्छा पैसा आएगा, धन आएगा, लाभ ही लाभ आएगा, अगर लाभ में ये नहीं बैठी होती तो इसके यहाँ तीसरे बैठने से इतना नुकसान नहीं है, यहाँ भी पराक्रम परिश्रम तो करना पड़ेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, जो जो यात्रा होंगी सब में पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन मैं तुला राशि को यहाँ पहली दृष्टि में रख सकता हूँ, यानी मेष, कर्क, सिंह, उसके बाद तुला राशि भी जो है बहुत अच्छा लाभ पा रही है, नंबर वन राशि तुला जो है। और देखिए अब तुला के बाद जो अगली राशि आएगी इसकी मैं चर्चा करूंगा, वो राशि कौन सी होगी, वो राशि होगी देखिए वृश्चिक, जो आठवीं राशि वृश्चिक है, अब वृश्चिक राशि के लिए क्या रहा, आठवीं राशि यहाँ वृश्चिक आ गई, आठवां यहाँ वृश्चिक आ गई, और वृश्चिक राशि के लिए 9, 10, 11 शनि, 12, 1 राहु और बृहस्पति, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि
और यहाँ पर शुक्र और मंगल और ये छह और ये सात, तो बृहस्पति की यहाँ देखिए पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि की बारे में भाव है तो ये अच्छी नहीं है, विदेश से खर्चा कराएगी, विदेश से लाभ हो सकता है पर खर्चा बहुत होगा। ये नवीं दृष्टि अच्छी है, धन भाव में धन तो आएगा, बृहस्पति की दृष्टि धन भाव में पड़ रही है तो धन तो आगे आएगा उससे। और देखिए पांचवी दृष्टि पड़ रही है दसवें भाव में, दसवें भाव का मतलब क्या होता है कर्म क्षेत्र में, नौकरी व्यापार में, तो नौकरी में व्यापार में बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से, बृहस्पति जो है भरणी नक्षत्र के स्ट्रॉन्ग युवावस्था वाले बृहस्पति, शुक्र मंगल के साथ पंचम दृष्टि है, नवम पंचम पर राजयोग बन रहा है, तो यहाँ तो नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिक पैसा, वेतन वृद्धि सब कुछ मिलेगा, यहाँ से धन धन मिलेगा। पर यहाँ से थोड़ा सा एक दृष्टि पड़ रही है तो विदेश में खर्चा हो सकता है, तो मैं इसको देखिए वृश्चिक राशि को मैं नंबर वन तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि छठे में दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि को, आठ सात छ पांच, तो आप देखिए आप बृहस्पति देखिए बृहस्पति खुद जो है छठे भाव में बैठे, यही तो खराबी बात है। वैसे तो अच्छा था लेकिन क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि एक यहाँ पड़ रही है, एक दो तीन चार पांच, और देखिए सात बाहर है ये अच्छी है, तो दो दृष्टियां अच्छी हैं बृहस्पति की, बृहस्पति खुद छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो जैसे आठ में बैठे थे ऐसे छठे में, तो भाई मैं क्या बताऊं, ये जो है बृहस्पति का यहाँ बैठना ही बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो वृश्चिक राशि को मैं नंबर दो भी नहीं रखता हूँ, वृश्चिक राशि को मैं नंबर तीन में रखूंगा भाई, क्योंकि बृहस्पति बैठे अच्छे नहीं है। ठीक है धन भाव में धन आ रहा है इसलिए यहाँ पे जो अच्छा है, लेकिन खुद बैठे जो ग्रह अच्छा बैठा हो अच्छे फल देगा, और जो ग्रह खराब बैठा हो खराब जगह में वो फिर ये फल भी उतने अच्छे नहीं देगा, खराब ही देगा। तो मैं भी वृश्चिक राशि को भाई एन वृषभ कन्या के साथ रखता हूँ, वृश्चिक राशि को नंबर तीन, यानी लखपति कह दीजिए इनको, अगर उनको अरबपति और करोड़पति कहते हैं तो वृश्चिक राशि को आप लखपति कह दीजिएगा। और देखिए अगली राशि जो है धनु राशि को मैं देखता हूँ नवी, और दस ग्यारह, ग्यारह में शनि है, बारह एक राहु और बृहस्पति जो है मेष राशि में पंचम भाव में आ गए, कई राशि एक दो तीन चार पाँच, पांचवी दृष्टि पड़ी यहाँ शुक्र और मंगल हैं, और छः सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ी ग्यारहवें भाव में आठ नौ, तो मित्रों देखिए बृहस्पति बैठ गए पंचम भाव में, पांचवी दृष्टि सातवीं दृष्टि नवीं दृष्टि, यानी नवीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, शरीर बलवान, शरीर धार्मिक प्रवृत्ति का और ईमानदारी से काम करने वाला, बड़ा मेहनती, तो खाली बृहस्पति की बात कर रहा हूँ मैं, बृहस्पति भरणी नक्षत्र के युवा बृहस्पति शुक्र से दैत्यों से मतलब सपोर्टर एक तरह से कहिए, नवम पंचम योग में भी, और आज से शुक्र यहाँ आ गए, मंगल भी पहली जुलाई से आ गए थे, तो जुलाई अगस्त में जब तक भरणी नक्षत्र में रहेंगे बृहस्पति तब तक यहाँ से जो है पंचम भाव से संतान को लाभ, संतान नहीं है संतान तो संतान की प्राप्ति के योग, और संतान है तो संतान की तरक्की, एजुकेशन में तरक्की, प्रेम प्रसंगों में तरक्की, एजुकेशन के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। और बृहस्पति की यहाँ से दसवीं जो है पांचवी जो है ये भाग्य भाव में भाग्य बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो है देखिए लाभ भाव में लाभ मिल रहा है, और ये लग्न पर, तो ये तो वही धनु राशि के लिए तो सब तरह से बृहस्पति का बैठना और दृष्टियाँ तीनों ही बहुत अच्छी हैं, तो मैं तो धनु राशि को तो नंबर वन कर सकता हूँ आराम से, ये अरबपति राशि है। तो मित्रों मेष कर्क सिंह तुला धनु ये पांच राशियां अभी तक तो नंबर वन पर आ रही हैं, और देखिए अगली राशि जो है अब ये मैंने मिशन जो कर दिया ना नंबर दो, ये भी एक्चुअली नंबर वन हो सकती है, थोड़ी सी कसर है इसमें इसलिए नीचे रखना प्रारंभ है। लेकिन अगली राशि जो है मकर, दसवां नंबर मकर राशि,
और 11वां नंबर यहाँ शनि, 12वां एक नंबर पे यहाँ पर मंगल और शुक्र, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि, 6, 7वीं दृष्टि, 8, 9वीं दृष्टि और यहाँ पर शुक्र और मंगल। तो मित्रों ये रहा मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के लिए भाई क्या कहेंगे आप, मकर राशि के लिए देखिए एक दृष्टि तो आ गई यहाँ पर, तो यहाँ आ गई तो फिर बीमारी का भी असर है, फॉरेन का खर्चा भी है, विदेश में दृष्टि पड़ रही है तो खर्चा है, आमदनी नहीं है। विदेश में रहोगे जाओगे तो आमदनी हो जाती है, अदरवाइज तो ये खर्चा के भाव बाद में भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति वैसे जो है सॉरी ये तो राहु और मंगल शुक्र तो यहाँ, तो राहु और बृहस्पति यहाँ से सम्मुख दृष्टि पड़ रही है। कर्म क्षेत्र में अच्छा है, एक दृष्टि यहाँ पड़ रही है ये भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये आठवां भाव है, और एक दृष्टि यहाँ पड़ रही है ये भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये दसवां, ये बारहवां भाव, खर्चे का भाव, आठवां भाव, चोर चपेट और धन हानि का, और बस ये कि यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति अच्छे है, थोड़ा सा लाभ तो मिल जाएगा, यानी आपको गुप्त धन मिल सकता है, लौट भी सकते हैं, फायदा हो सकता है, लेकिन ये आठवें भाव है तो उसमें आठवें दृष्टि अच्छी, दो दृष्टियाँ अच्छी नहीं, लाभकारी नहीं है, खाली एक दृष्टि अच्छी है। तो चूंकि ये खुद बैठे अच्छे भाव में, चौथे भाव में सुख साधनों का अभाव नहीं रहेगा, सुख साधन मिलेंगे, लेकिन सुख साधन खरीदने में पैसा खर्चा तो होगा, तो पैसे का खर्चा तो होगा, नवें भाव में दृष्टि है वही खर्चे वाला है, बृहस्पति की दृष्टि खर्चे पर, खर्चा तो होगा, यहाँ पे सुख साधन लाओगे तो खर्चा होगा, तो धन का खर्चा तो होना ही होना है और स्वास्थ्य में भी हेल्थ में भी खर्चा होना है, कि बारहवा भाव जो है छठे भाव दोनों स्वास्थ्य भी तो कनेक्टेड है और ये भी जो है अच्छी दृष्टि नहीं। तो मैं फिर इसको कर्क राशि को जो है नंबर दो पर कर सकता हूँ, क्योंकि नंबर दो पर यूँ कर रहा हूँ मैं इनको, क्यों बैठे यहाँ बृहस्पति अच्छे हैं, सुख भाव में बैठ करके सुख साधन लगे लगे और दृष्टि पड़ रही है कर्म क्षेत्र में, तो कर्म क्षेत्र में यानी नौकरी में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार है तो व्यापार में तरक्की। तो बृहस्पति का चौथे में बैठना और दसवें को देखना यही काफी है मकर राशि को नंबर दो करने में, कि मकर राशि का मकर राशि को मैं नंबर दो कर सकता हूँ, क्योंकि बृहस्पति का चौथे भाव में बैठना, बृहस्पति की दसवें में दृष्टि यही काफी है इसके लिए, बाकी दोनों दृष्टियाँ आठवें में और बारहवें में हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन चौथे में बैठना और दसवें में दृष्टि जाना ये काफी जबरदस्त है, इसलिए मैं इसको नंबर दो कर दिया। और अब अगली राशि आई कुंभ, तो कुंभ राशि के लिए शनि आ गए यहाँ पर, 11वीं राशि है और 12वां एक यहाँ पर, एक राहु और बृहस्पति आ गए, 2, 3, 4 और सॉरी उल्टा हो गया, 11, 12, 1 ये आ गए राहु और बृहस्पति, 2, 3, 4, 5 शुक्र और मंगल, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो कुंभ राशि शनि यहाँ है, शनि की राशि बैठे हुए हैं, बृहस्पति आ गए तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव भी भाई कोई ज्यादा अच्छा नहीं है ना, यहाँ भी पराश्रम पराक्रम का भाव, कोई ज्यादा लाभ का धन का भाव नहीं है, पर बृहस्पति की एक दृष्टि जो है यहाँ पड़ रही है पंचम, ये अच्छी है, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अच्छी है, बृहस्पति की नवम दृष्टि अच्छी है, तो बृहस्पति की तीनों दृष्टियाँ बहुत जबरदस्त हैं, बृहस्पति खुद बैठे हैं तीसरे भाव में, तो जो आदमी बैठा खराब जगह है वो अच्छा कैसे कर देगा, तीसरे भाव में बैठ करके बृहस्पति जो है पराक्रम कराएंगे, परिश्रम कराएंगे, लेकिन कोई ऐसा ज्यादा लाभ, हाँ यहाँ लाभ, यहाँ भाग्य बढ़ रहा है यहाँ, तो ये नंबर वन तो कैसी नहीं हो सकती कुंभ राशि। हाँ कुंभ राशि शनि का सभी लाभ पा रही है, शुक्र मंगल भी यहाँ है,
तो इसको मैं नंबर वन तो नहीं कर सकता हूँ, कुंभ राशि को मैं नंबर दो कर सकता हूँ। कुंभ राशि के लिए क्यों नंबर दो किया मैंने इसको, तो एक दो तीन तीन दृष्टि है बृहस्पति की, बहुत अच्छी है बृहस्पति। यहाँ थोड़े यहाँ के बजाय यहाँ बैठे होते, यहाँ बैठे होते तो मैं नंबर वन कर देता। अभी कुंभ राशि को जो है यहाँ बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे होने की वजह से, बल्कि मैं अगर नंबर तीन पर भी कर दूँ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ बैठे अच्छे रही हैं। तो मैं तो ये कुंभ राशि को मतलब बृहस्पति के बैठने से अगर आप देखें कि बैठे बहुत खराब भाव में है, तो मैं यहाँ ही कर सकता हूँ, यानी लखपति लखपति करोड़पति अरबपति कर सकता हूँ। तो ये रहा कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए भी चूंकि बृहस्पति का बैठना तीसरे भाव में, तो तीन छः आठ बारह ये भाव अच्छे नहीं होते कुंडली के, इसलिए जब ग्रह बैठा ही खराब है तो अच्छे फल देगा कहाँ से भाई। जो कष्ट में बैठा हुआ है, तकलीफ हो रही है, बीमार आदमी है, मान लो कोई उड़ नहीं पा सकता आपने, तो अच्छे काम कर सकेगा। अब आखिरी राशि है मीन, तो मीन राशि के लिए ये बारहवा, और देखिए बारह एक राहु और बृहस्पति धन भाव में आ गए, यहाँ दो तीन चार पाँच, पांचवा शुक्र और मंगल, मंगल और पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह शनि। तो मीन राशि के लिए कहाँ बैठ गए बृहस्पति, कहाँ है धन भाव में, धन भाव में बृहस्पति का बैठना अच्छा है, कम से कम धन तो दे रहे हैं। अब उनकी दृष्टियां जरूर यहाँ यहाँ दो अच्छे नहीं है, पर ये दृष्टि तो अच्छी है, धन भाव में बैठकर कर्म करा रहे हैं। जितना अच्छा कर्म करोगे उतने ज्यादा धन आएगा। तो मीन राशि के लिए मैं कह सकता हूँ कि बृहस्पति का बैठना बहुत बढ़िया भाव में है, बहुत जबरदस्त, क्योंकि धन भाव में धन आ रहा है। इनकी दृष्टि पंचम जो है छठे भाव में है, रोग ऋण से मृत्यु मिल सकती है, बैंक से ऋण मिल सकता है, कुछ पैसा खुद के वो लौट सकता है, यहाँ से गुप्तधन मिल सकता है, लॉटरी मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। यहाँ से देखिए कर्म क्षेत्र में तरक्की है, व्यापार में तरक्की है, पैसा प्रमोशन मिल रहा है, ये अच्छा है, यहाँ बैठना और ये अच्छा है बस। इसलिए मैं इसको जो है धन भाव में बैठना ही काफी अच्छा है, तो इसको मैं कम मीन राशि को मैं नंबर दो में ला सकता हूँ। यानी तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच, तो मित्रों देखिए पांच राशियां मेष कर्क सिंह तुला धनु, पांच राशियां बहुत जबरदस्त लाभ पा रही हैं, नंबर वन राशियां हो रही हैं बृहस्पति के अगस्त में, जुलाई अगस्त में बृहस्पति के भरणी नक्षत्र में होने से, बृहस्पति का दैत्यो के गुरु से सहयोग होने से, बृहस्पति के मंगल और शुक्र के नवम पंचम योग होने से, और बृहस्पति का शुक्र का और मंगल से ऐसा सहयोग है जिसपे शनि की दृष्टि पड़ रही है सम सप्तक, उसके कारण जो है पांच राशियां नंबर वन है भाई। मेष कर्क सिंह तुला धनु, अरबपति राशियां हैं मिथुन मकर मीन, नंबर दो करोड़पति राशियां हैं, और वृषभ कन्या वृषभ कुंभ चार राशियां नंबर तीन है, कम लाभ मिल रहा है या ना के बराबर मिल रहा है लखपति के लोग को, लखपति करोड़पति अरबपति। तो मित्रों ये रहा मेरा आज का वीडियो कि अब जुलाई और अगस्त में बृहस्पति जो है शुक्र के मंगल के सपोर्ट से, शुक्र नवम पंचम योग से और भरणी नक्षत्र में दैत्यों के गुरु के नक्षत्र में, यानी दैत्यों का एक तरह से सपोर्ट समझ लीजिए, इससे अब जो है कितना अच्छा लाभ दे रहे हैं जुलाई अगस्त का महीना। इन पांच राशियों को जो गोल्डन पीरियड है, मेष कर्क सिंह तुला धनु मिथुन मकर मीन नंबर दो वृषभ कन्या वृषभ कुंभ नंबर तीन। तो मित्रों अब मैं यहाँ विराम लूंगा, नमस्कार।